Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ हैकिंग को बढ़ावा देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाए जा रही हैं, तो आपसे उम्मीद ये है इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल फॉर मुदस्सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड का या फिर बॉयफ्रेंड का या किसी का भी फैमिली में जो भी मेंबर्स, अगर आप चाहते हैं कि वो किसी से भी बात करें, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर अपने फ़ोन में सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी विनती है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए डेली ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी टाइप का वीडियोस चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे टेक्निकल फॉर मुदस्सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, 1 से 2 घंटे के अंदर मैं आपको उस वीडियो का ट्यूटोरियल डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप ये चाहते हैं कि किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सुनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके गर्लफ्रेंड किसी से भी बात करें, वो कॉल अपने फ़ोन में अगर सुनना चाहते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो का जो गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने का क्या करना होगा, इसको सेटिंग करना होगा, तो सेटिंग करने के लिए वीडियो को आप लोगों को एंड तक वॉच करना होगा। अगर आप फिर वीडियो को स्किप करते हैं, तो फिर आप इस सेटिंग को प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों को एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नाम होगा कॉल रिकॉर्डर। गाइस, देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डर। आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे क्या करना, आई नो का जो ऑप्शन आ रहा है, इस यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने का क्या करना होगा, इस यहाँ पे जो एक्सेस मांगा जा रहा है, सारे एक्सेस को अलाउ कर देनी है। ओके पे क्लिक किया, अलाउ कर दिया, ठीक है, अलाउ कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 3 डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब क्या करना है गाइस, आप लोग देख सकते हैं सिस्टम रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आ रहा है ना, सिस्टम कॉल रिकॉर्डिंग, ये मेरा इनेबल हो चुका है, यानी आपका 70% काम हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। इनेबल स्पीकर, यानी स्पीकर का भी साउंड आप लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर फ़ोन मतलब सेक करता है, यानी फ़ोन को इधर उधर करता है, तो वो भी अगर चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक करेंगे, फ़ोन को इधर उधर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मतलब बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी इसको इनेबल आप नहीं कीजिएगा, इस ये सेटिंग को, ताकि अगर वो अगर फ़ोन अगर, ठीक है, सेक करें, इधर उधर करें, तो आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो डिसेबल हो जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर ली। अब गाइस, आपको क्या करना होगा, मेन सेटिंग आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे गो टू एक्सेसिबिलिटी सेटिंग जो देख रहे हैं गाइस, ये वाला सेटिंग आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके पास, ठीक है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा गाइस, आप लोग प्लीज़ आप लोगों को समझ लें, केयरफुली आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मोर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या किया गया, इस एक्सेसिबिलिटी पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन अगर नहीं आएगा, तो मोर डाउनलोड के बाद ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपके पास आएगा ये ऑप्शन, ठीक है, कॉल रिकॉर्डर का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऑफ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जब तक इसको हम इनेबल अगर नहीं करते, ऑन अगर नहीं करते हैं, तो आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, इसको इनेबल कर देते हैं, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ओके पे आपको क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, आपका लगभग 80% काम हो गया। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक सेटिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, तभी आप अपने फ़ोन में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, फिर से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करने का क्या करना होगा, ये जो आपका 80% सेटिंग हो चुका है गाइस, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो क्लाउड अकाउंट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्यों क्लिक करना होगा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इसलिए क्लिक करना होगा, ताकि आप अपने मोबाइल पे उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे जो लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको करना होगा लॉगिन। तो गाइस, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देने, क्लिक करना अलाउ का ऑप्शन आएगा,
ठीक है, अलाउ का ऑप्शन जो ही आएगा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन। ठीक है, अब बता दूँ आपको जीमेल क्या होता है गाइस, मैं आपको वो देता हूँ, आपके पास स्मार्टफोन है ही, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका जीमेल कौन सा है और आप ये चाहते हैं कि उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे जीमेल पे है, तो मैं आपको बता दूँ कैसे चेक करना है। आपके पास प्ले स्टोर तो होगा डेफिनेटली, डेंटल जितने भी एंड्रॉयड यूज़र है सबके पास प्ले स्टोर है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जीमेल आईडी रहेगा। ठीक है, मेरा ये जीमेल आईडी है, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक किया तो थ्री डॉट पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जीमेल आईडी आ जाएगा, तो यही जीमेल आईडी आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ भाई जीमेल आईडी कहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे आ गया, आने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऐड खुल रहा है तो बिकॉज, ठीक है, इस ऐड को हटा देना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर क्या करना है क्लाउड पे क्लिक करनी है, तो कैसे भी कुछ ऐड खुल रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लाउड पे क्लिक करना है, क्लाउड पे क्लिक करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है गाइस मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा तो यहाँ पे जो भी आपका जीमेल आईडी रहेगा तो यहाँ पे आपको मेंशन रहेगा, ठीक है, वो जीमेल आईडी मेंशन करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जीमेल आईडी के बजाय आप अलग मतलब जीमेल आईडी अटैच करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपके पास ये जो जीमेल आईडी है यहाँ पे आपके पास शो अगर नहीं करता हो तो यहाँ पे आपके पास ऐड आएगा, ऐड जीमेल का, यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे आपके पास जीमेल आईडी डालना है और आपका पासवर्ड डालना है। जी ही जीमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका 100% काम हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन को सेव कर देना है। सेव करने आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्राइव का ऑप्शन पे आना है। तो गाइज जो ही ड्राइव के ऑप्शन पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, ठीक है, जो आप बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आएगा कॉल रिकॉर्डर के एप्लीकेशन नाम से, यहाँ पे फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा आपके पास कॉल रिकॉर्डर के नाम से, तो आप वहाँ पे जो भी मतलब उस बंदे ने जो भी बात किए हैं आपका जीमेल आईडी पे यानी गूगल ड्राइव पे आपका सेव हो जाएगा, आप वहाँ से बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।